अमेरिका के अलग अलग शहरों में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है। यहां हो रही लगातार बर्फबारी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। घरों से लेकर सड़क तक हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। भारी बर्फबारी की ये तस्वीरें अमेरिका के अलग अलग शहरों की हैं। लगातार कई दिनों से हो रही बर्फबारी ने यहाँ के जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। सड़कों से लेकर पेड़, साइन बोर्ड, घरों और स्ट्रीट लाइट्स भी सफेद बर्फ की आगोश में आ गए हैं। लगातार गिरते तापमान की वजह से उत्तरी अमेरिका की एरी झील भी जम गई है, जिसकी वजह से झील की खूबसूरती और बढ़ गई है। तो वहीं लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से सड़क हादसों में भी इजाफा हुआ है। सड़कों पर कई जगहों पर गाड़ियां पलट गई हैं। सड़क पर चलने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट जारी है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इन इलाकों में अभी और बर्फबारी के साथ साथ बारिश भी हो सकती है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। आज तक ब्यूरो। मॉस्को में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। पूरा मॉस्को शहर इस वक्त बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। यहां तक कि सड़क पर 6 से 8 फीट तक की बर्फ जमा हो गई है। सैकड़ों गाड़ियां बर्फ में दबी हुई नजर आ रही है। भीषण बर्फबारी की ये तस्वीरें हैं रूस की राजधानी मॉस्को की, जहां आसमान से आफत की बर्फबारी हुई और पूरा शहर बर्फ की चादर में लिपट गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा शहर बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है। क्या चौक चौराहे, क्या गलियां और क्या सड़क, हर जगह बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। ये बर्फबारी कितने बड़े पैमाने पर हुई, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मॉस्को की सड़कों पर 6 से 8 फीट तक बर्फ जम गया। राजधानी के कुछ इलाकों में तो 10 से 12 फीट तक बर्फ जम गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई कारें बर्फ में दबी हुई नजर आ रही हैं। वहीं सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम जारी है। इस भारी बर्फबारी की वजह से मॉस्को शहर में जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। कई इलाकों में जहां यातायात ठप है, वहीं कुछ इलाकों में बिजली गुल होने की खबर है। इस बर्फबारी की वजह से यहां हड्डियां कपा देने वाली ठंड पड़ी है, जबकि तापमान माइनस में है। मॉस्को प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। बता दें कि यूरोप के ज्यादातर देशों में इस समय भयंकर बर्फबारी हो रही है। वहीं रूस में पिछले एक हफ्ते से बर्फबारी जारी है। इस बर्फबारी की वजह से कोरोना वैक्सीनेशन के काम पर भी अच्छा खासा असर पड़ा है। आज तक ब्यूरो।